Hey friends and welcome back to Zareen Recipe World. आज का हमारा जो वीडियो है वो एक व्लॉग है और डिनर एंड लंच दोनों का व्लॉग है. सो आपने सही गेस किया है, ये एक व्लॉग है और ये अनलिमिटेड बुफे है. तो बस मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूँगी मेरे वीडियो और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे. सो ये जो है ये लंच का वीडियो है. मैं मेरी फ्रेंड के साथ में गई थी यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अनलिमिटेड है ये और दोनों के प्राइस अलग अलग है. वो आपको आगे जाके वीडियो में पता चलेगा इसका प्राइस जो है वो क्या है. सो ये तो फिलहाल है लंच का मेन्यू और देख सकते हैं आप ये कितने अच्छे से डेकोरेट ऑलरेडी किया हुआ है. दोपहर का टाइम था, कुछ 12 बजे था और अब ये खाली था. बट इसके बाद में जो काफ़ी भीड़ हो जाती है, अगर आपको व्लॉग और वीडियोस बनाने हैं तो आप इसी टाइम पे आइए ताकि आपको थोड़ा ये खाली मिले, वरना ये 12:30 बजे के बाद जो है यहाँ पे भीड़ होना चालू हो जाती है. सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे इसे सब ट्राई किया था, थोड़ा थोड़ा सब लिया था मैंने. और ये इन लोगों का जो पोटैटो सलाद था ये मुझे बहुत ही पसंद आया, एंड पोटैटो एंड पाइनएप्पल मुझे बहुत अच्छा लगा वो भी, एंड दिस पीनट सलाद तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ही एक नटी सा लगता है तो बहुत मज़ा आता है खाने में. और यहाँ पे है ये पोटैटोज. तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा मैंने सारा लिया है. और ये मेरी फ्रेंड है गोलगप्पा लवर तो उसने गोलगप्पा लिया था. और ये है मनचाओ सूप. सो बस यहाँ पे अब हमारी प्लेट्स जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गई है. तो चलिए अब टेस्ट करके बताते हैं कैसा है. सो ये बहुत ही अच्छा था और मैंने यहाँ पे सब थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने के लिए लिया था. हाँ, 2-4 आइटम ऐसे थे कि मैंने ले नहीं पाई क्योंकि बहुत फिर स्टमक जो है फुल हो जाता है. आप ये खा लोगे तो फिर आप पिज़्ज़ा नहीं खा सकते हो. तो बस आपको ध्यान रखना है, आपको फूड जो है वो वेस्ट नहीं करना है और अच्छे से जितना आप खा सके बस आप उतना ही खाना लीजिए, क्योंकि फूड वेस्ट होता है तो वो अच्छी बात है नहीं. तो थोड़ा थोड़ा लीजिए और बार बार लीजिए चलेगा, बट थोड़ा थोड़ा लेके आप टेस्ट करते रहो. तो यहाँ पर मैं इंजॉय करी थी अपना फूड बिकॉज मुझे ये अनलिमिटेड जो ये सलाद एंड पास्ता जो ऑप्शन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड दिस पानीपुरी वॉज ऑल्सो ऑसम. एंड ये है सेव पूरी जो वो लोग टेबल पे ही लाके सर्व करते हैं और ये भी बहुत अच्छा था. देख सकते हैं आप, रोड पे, मेन रोड पे है, आपको आसानी से विजिबल हो जाएगा. वुडी जॉन्स पिज़्ज़ा जो है चला वापी में. बस यहाँ पे हम लोग इन्जॉय कर रहे थे और बहुत ही अच्छा है. इसमें आप आराम से बैठ के खाएं और टाइम तो बहुत लगता है बिकॉज इतने सारे वेराइटी है तो आप जल्दी जल्दी तो खा नहीं पाओगे. सो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी वैरायटी है पास्ता की भी है, एंड देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन फॉर सलाद ऑल्सो. और यहाँ पे ये जो था ये पोटैटो पाइनएप्पल था, मेयोनीज में था तो अच्छा लग रहा था काफ़ी. और ये जो नूडल्स थे ये थोड़े हक्का नूडल्स ये सब थे, कोल्ड सेक्शन में थे. एंड देर आर स्प्राउट सलाद ऑल्सो, जिसे हेल्दी खाना बहुत पसंद है उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं. और जैन फूड के लिए भी, जैन लोगों के लिए भी जैन फूड है यहाँ पर. So now here she's taking a photo because she is a Golgappa lover. So इनके लिए भी गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं. अब ये देखिए ये आ गया है गार्लिक ब्रेड. तो गार्लिक ब्रेड एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा था इनका, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी था और बहुत ही चीजी था. Now she is enjoying her Golgappa. So look how she's excited. Oh my God, she loves Golgappa very much actually. So she's enjoying Golgappa and I'm eating my garlic bread. ये भी जो है पिज़्ज़ा अब आ चुका है. गार्लिक ब्रेड वो लोग सर्व करते हैं, उसके बाद करते हैं सर्व पिज़्ज़ा. तो यहाँ पे पिज़्ज़ा आ गया है मार्गरीटा और ये बहुत ही अच्छा और यमी लगता है, चीज़ी लगता है क्योंकि बहुत सिंपल सा होता है, कुछ होता नहीं उसमें. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला पिज़्ज़ा. और उसके साथ ही दूसरे पिज़्ज़ा भी अभी आएंगे. 4 टाइप्स के पिज़्ज़ा होते हैं बट ये वाला भी बहुत अच्छा था. इट वॉज वेरी हॉट एंड यम. अब ये आ गया है वेजिटेबल पिज़्ज़ा. तो ये देखिए यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से एकदम रोस्ट किया हुआ है, अच्छे से रेड है और बहुत ही यमी था ये भी. मुझे इनके सारे पिज़्ज़ा जो है वो पसंद आए हैं. ये बच्चों का पिज़्ज़ा था, बच्चों वाले में था तो ये भी अच्छा था काफ़ी, कॉर्न एंड कैप्सिकम वाला. अब आ गया है डेज़र्ट. तो यहाँ पर मैंने 4 टाइप्स के पिज़्ज़ा खा लिए थे और ये है डेज़र्ट. तो डेज़र्ट में है इनकी आइसक्रीम और ब्राउनी. और सच बताऊँ तो इनकी जो आइसक्रीम थी ना वो बहुत ही यमी थी, बहुत ही मज़े की थी आइसक्रीम.
सो ये वाला जो रूम है ना, ये बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए स्पेशली डेकोरेट किया हुआ होता है। यहाँ पे आप अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई भी आपको फंक्शन करना हो, यहाँ पे कोई भी तरीके की पार्टी करनी हो, आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलवेज डेकोरेट रहता है ये, तो बहुत ही अच्छा ये भी ऑप्शन है यहाँ पे आप अगर पार्टी देना चाहते हैं तो। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ये डिनर टाइम है और मैं आई हूँ अपने फैमिली के साथ में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनके मेन्यू जो है दिन का अलग है, रात का अलग है। मीन्स सुबह का प्राइस जो था 209 था और रात का था 229, तो काफ़ी फ़र्क नहीं है कुछ, सिर्फ 10 रुपये का ही फ़र्क है, बस 20 रुपीज़ का, सॉरी। और यहाँ पर देखिए ये इनके डेकोरेशन जो है, रात का भी व्यूज़ जो है बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये दिवाली का टाइम है तो डेकोरेशन काफ़ी अच्छा किया हुआ है बाहर, तो अंदर भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे मेरी प्लेट्स लेके मैं बैठ गई थी खाने के लिए, आपको अभी दिखाती हूँ खाना क्या क्या है इनके यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये वुडी जॉन्स पिज़्ज़ा है जो है चला मैं। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस जो है, सलाद वगैरह के भी है और पास्ता के ऑप्शंस बहुत अच्छे थे। मुझे पाइनएप्पल वाला पास्ता जो था वो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ये दो तरीके के, एक मेयो है और एक वाइट सॉस बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये सिंपल सी मैगी, जो कंफर्ट वाली मैगी होती है, ये वही है बस। अगर आप ये खाना चाहते तो वो भी बहुत अच्छा। और ये मंचूरियन था जो दोपहर में नहीं था बट रात में है, देख सकते हैं। और उसके साथ है हक्का नूडल्स एंड फ्राइड राइस। और बस जैसे मैंने बताया आपको, एक वाइट सॉस है, एक मेयोनीज है, और ये रहे सारे कोल्ड सलाद एंड सूप भी है यहाँ पे। और सूप दोपहर में भी था, तो आपको मैंने ये पूरा नहीं बताया था। आप देख सकते हैं एक मंचाओ सूप है जो रात में भी सेम है और जो लंच में भी सेम था, मंचाओ सूप था। और है टमेटो सूप, तो मैं मंचाओ सूप पी चुकी हूँ, तो अब मैं लूँगी टमेटो सूप। बहुत ही यम्मी लग रहा था और था भी अच्छा। और रात में आप देख सकते हैं सैंडविच भी है और फ्रेंच फ्राइज भी था, तो बस बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में ये सब कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे ये मेरी प्लेट है और मेरा सूप है। बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लिया, जो वीडियो में लग रहा है कि बहुत खा रही हूँ बट ऐसा कुछ नहीं है। तो बस अपना खाना इंजॉय करें आप, गर्मा गर्म सूप मैं इंजॉय कर रही हूँ। मुझे सूप बहुत अच्छा लगा था इनका, टोमेटो का। और उसके बाद ये मैं अपना प्लेट जो है लेके आई हूँ पूरी भर के, वो मैं इंजॉय कर रही हूँ अभी। और आराम से आप बैठ के खाएं, जल्दी जल्दी बिल्कुल ना करें, आराम से खाएंगे तो मज़ा बहुत आता है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में लिया था, दो तीन तरीके का पास्ता था और सोया। मैं कभी खाती नहीं हूँ सोया चंक्स, बट मैंने लिए थे और मुझे अच्छे लगे। फर्स्ट टाइम मैंने खाया था क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सोया चंक्स, बट मैंने यहाँ पे लिया तो मुझे अच्छा लगा था। और मंचूरियन भी अच्छा था इनका और नूडल्स भी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा था इनका सब जो था लंच डिनर का आइटम। और बहुत ही यमी था, अनलिमिटेड ड्रिंक भी देते हैं ये लोग साथ में आपको। सो नाउ दिस इज़ गार्लिक ब्रेड, मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्लिक ब्रेड इनका। और ये आ गया है पिज़्ज़ा, ये है मैक्सिकन पिज़्ज़ा और काफ़ी अच्छा था। बस मैंने यहाँ पे पतले पतले स्लाइस लिए क्योंकि मुझे सारे फ्लेवर्स जो है वो चखने थे। और ये एक्चुअली बहुत सॉफ्ट था, ये देखिए तोड़ के बता रही हूँ, ये लोग एक्चुअली रोज डो बनाते हैं। ये था चीज बॉम्ब पिज्जा, तो ये भी काफी अच्छा लग रहा था मुझे। कौन सा वाला है? मीडियम मीडियम ना। ये है थिन क्रस्ट पिज्जा, ये सबसे अच्छा मुझे लगा सच में। ये चारों पिज्जा में ना मुझे ये सबसे अच्छा लगा था। और ये जो तीन मैंने पिज्जा खाए थे ना, इसके साथ एक मार्गरीटा पिज्जा भी था जो मैंने वीडियो में लेना भूल गई हूँ, बट 4 टाइप्स के पिज्जा ये लोग लेके आते हैं, बट सबसे बेस्ट मुझे ये लगा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और अभी बस ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक खाना बाकी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है ये पंजाबी थाली है और ये भी इन लोगों ने एक ऑफ़र में निकाला है, ये अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे ये तीन तरीके की सब्ज़ी रहती है, रोटी छाँस एंड सलाद ये लोग देते हैं और बहुत ही अच्छा है। और अनलिमिटेड थाली जो है वो भी बहुत ही मज़े की रहती है इनकी, देख सकते कितनी यम्मी और टेम्पटिंग लग रही है ना। सो देखिए ये इनका लोकेशन एक बार आप देख लीजिए, ये है मेन रोड चलावापी में। और ये काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था इन्होंने, ऑलवेज डेकोरेट रहता ही है इनका। और बहुत ही यमी फूड था इनका और इनकी जो सर्विस थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आप लोग गए हैं वुडी पिज़्ज़ा में तो ज़रूर मुझे बताइएगा, शेयर करिएगा और मुझे टैग करना ना भूले इंस्टाग्राम पे भी। और ज़रूर आइए, खाइए, इंजॉय कीजिए, रखा ही किया है लाइफ में, इंजॉय करो, खाओ पियो बस। सो देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही, ये पार्टी जो अलग से रूम था यहाँ पे जहाँ पे पार्टी आप कर सकते हैं, काफ़ी डेकोरेटेड था। ये आउटसाइड का एरिया था जो फुल्ली अभी डेकोरेटेड है बिकॉज ऑफ दिवाली, बट ये जो डेकोरेशन है इनका बलून से, ये ऑलवेज डेकोरेट रहता है। जब मैं आई थी
दिन में आई थी तो लंच के लिए वहाँ पे तब भी डेकोरेट था, बर्थडे के लिए ये अभी भी इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। कोई बर्थडे वगैरह हो या कोई पार्टी हो तो उसके लिए ये लोग डेकोरेट करके रखते हैं यहाँ पे। तो बस ये बहुत ही अच्छा था डेकोरेशन। और अब एंड करूँगी मैं इस वीडियो को अच्छे से डेजर्ट के साथ में। जो डेजर्ट था प्रीवियसली मैंने खाया था, बस वही डेजर्ट है आइसक्रीम विथ ब्राउनी। तो यहाँ पे मैं इंजॉय करूँगी अपनी आइसक्रीम, और आप ज़रूर जाइए और बस शेयर कीजिए मुझे जैसा कि मैंने कहा, और लाइक करना ना भूले मेरे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आप लोगों को और रिव्यूज़ चाहिए कई जगह के तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर वहाँ के रिव्यू आप लोगों को डालूँगी और ब्लॉग वगैरह बनाऊँगी। और बस टिल देन टेक केयर। और यहाँ पे लास्ट में मैंने रिव्यू एक्चुअली डाला था, उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया था और बहुत ही स्वीट सा जेस्टर था, उन्होंने मुझे किचन वगैरह भी दिखाया था, वो मैंने शूट नहीं किया है। तो बस मैं यहाँ पे अपना फीडबैक जो है वो दे रही हूँ फॉर्म में। अब ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरे भी वीडियो और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा वंस मोर, और ज़रूर नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन जो है आती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है मैंने यहाँ पे लास्ट में शेयर किया है, आप ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए इंस्टा पे भी और लाइक कीजिए, टैग कीजिए। बाय।